अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था? आतंकवाद होता था। मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहन और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे, आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है आप सबके सामने है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।